da atmaz havlu. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, नया 10 चक्का लाए थे, फेज 2 वाली गाड़ी। तो अपने जगवार ना घर पे ही खड़ा है और यहाँ से हमारी लोडिंग हो रही है पुलवामा से सेब महाराष्ट्र के लिए, मलकापुर के लिए। और इंशाल्लाह और हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भी करें, और सेठी भाई ज़रूर इस गाड़ी का नाम रखेंगे। सेठी भाई ने मैंने मैसेज भी किया था और उन्हें रिप्लाई वगैरह सब कुछ दिया था, और वो बोल रहे थे कि मैं सोच के बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए, अभी वाली जो है ना KFC फूड, वो सामने देख रहे हो, पूरा फर्म सबसे यहाँ पे यही है जो माल वगैरह यहाँ से भरती है। और यहाँ से भी बहुत सारी गाड़ियाँ, ये 12 चक्का है, वहाँ पे सब गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। तो चलो भाई, अभी चलते हैं। गाड़ी थोड़ी सी रहेगी, अभी शाम का टाइम ही है, तो मैंने सोचा एक व्लॉग क्यों ना शूट कर ले। तो अभी थोड़ी देर में गाड़ी हमारी कम्प्लीट हो जाएगी और यहाँ से हम निकल जाएँगे सीधे लासीपुरा पुलवामा की तरफ। तो वहाँ से अपनी गाड़ी, और अपनी गाड़ी का थोड़ा व्यू चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो SFC फ्रूट कंपनी से लोडिंग हो रही है हमारी गाड़ी, ये यहाँ का सबसे बड़ी फर्म है। तो फाइनली दोस्तों, हमारी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट लोड हो चुकी है। तो अभी हम निकल चुके हैं ये पछाड़ मंडी से। तो ये देखो, हमारा सामान वगैरह यहाँ पे, अभी सेटलमेंट कुछ नहीं हुआ है, इसको अभी सेटलमेंट करेंगे आगे रास्ते में जाके। जाहिद भाई तो आए थे मेरे साथ हेल्प करने के लिए, ये जाएंगे घर में। तो अपने भाई आए हैं साथ में, और भाई क्या हाल है, ठीक हो? तो अपने भाई का भी ट्रांसपोर्ट है, नेशनल हाईवे पछाड़ में भी है, पुलवामा में ही है, स्टोर माल भी भरवाते हैं, जो भी माल भरना हो कश्मीर से कहीं का ऑल इंडिया, तो इनके पास ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, तो भाई के पास ज़रूर आते रहें। तो ये नाशपाती लाई थी खाने के लिए। तो चलो भाई, अभी निकल चुके हैं, तो रात का टाइम है, इंशाल्लाह बाकी सुबह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे व्लॉग का दूसरा दिन चल रहा है, क्योंकि कल ना भाई काफ़ी लेट हो गया था, रात को 10-11 बजे वहाँ से निकले थे लोड करके, तो रात को आके ना काजीगुंड मानहाल में सो गए थे, तो काफ़ी ट्रैफिक जाम भी था। हमने सोचा क्यों ना साइड लगा के आराम कर लें। और यहाँ पे अभी फ्रूट वाली गाड़ियाँ देख रहे हैं आप मेरे आगे, पूरी जम्मू का पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है सब गाड़ियाँ, सेब भर के इनसे पूरी गाड़ी, और वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो पूरे रात को ना, पूरे रात को वो जाम में रहे भाई। तो अपने साथ कोई नहीं था, और जो अपने साथ आशिक भाई था वो चला गया था दूसरी गाड़ी के साथ, और अपने भाई इस बाइक में साथ लेकर आए। तो मैंने सोचा चलो भाई चलते हैं, एक चक्कर लगवा दो मेरे साथ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। चलो भाई अभी चल ही रहे हैं, अभी फ्रेश वगैरह था हुए नहीं, चाय वगैरह पिए, अभी आगे के देखेंगे कहीं पे हाथ मुँह धो के वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और रखेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। और इंशाल्लाह आज हमें जाना है महाराष्ट्र मलकापुर के लिए, और वहाँ से जल्दी जल्दी खाली करके केला भर के वापस आ जाएंगे। और अपनी गाड़ी का थोड़ा व्यू चेक कीजिए, और सेठी भाई को भी कमेंट किए थे, तो उन्होंने रिप्लाई ज़रूर दिया था कि भाई मैं यहाँ सोच के बताऊँगा कि इसका नाम क्या रखेंगे। और फेज़ 2 गाड़ी है भाई, नई गाड़ी है हमारी, तो अभी कुछ किलोमीटर चली हुई है, तो अंदर से भी चेक कर लो, मतलब सन मेकअप वही वाला है जो अपने जगवार में पहले था, तो कोई फ़र्क नहीं है गाड़ी में, ये टैप वगैरह लगा हुआ है सब कुछ। तो अभी इसमें अंदर से हम करवाएंगे टेपिंग, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, और यहाँ पे एक फ़ोटो लगवाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगवानी है। और ये देख रहे केले वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, दोस्तों आगे मिलते हैं कहीं पे चाय वगैरह पियेंगे वहीं पे आपको। तो भाई यहाँ पे देखो एक्सीडेंट यार कितने बड़े हो चुके हैं,
तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं सरमौली, और अभी टाइम 1 बज ही रहा है, तो काफ़ी ट्रैफिक जाम था, बहुत ट्रैफिक जाम में तंग आ गए। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए रुके थे, हमने मसाला वगैरह लाना था क्योंकि खाना वगैरह बनाना है ना, तो चावल वगैरह इसकी सेटिंग वगैरह कर रहे थे अभी, मतलब अंदर वाले जो मर्ची हल्दी सब कुछ है सेटिंग कर दी। अब यहाँ पे भाई के पास रुके हैं थोड़ी देर, ग्रीस वगैरह कर लेते हैं, गाड़ी का फिल्टर साफ करेंगे, और गाड़ियाँ देख रहे हो चल रही हैं बाहर की तरफ, तो पीछे बहुत ट्रैफिक जाम था, अभी जाम में फंस फंस के ना बुरा हाल हो गया। तो हम तो कल के निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, ट्रैफिक जाम में फंसे रहे बहुत टाइम के लिए रात से, तो अभी ट्रैफिक जाम से निकले, अभी दार रोड होके जाएंगे सीधे लखनपुर, और वहाँ से पंजाब में एंटर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह पूरा आपको ये दिखाते रहेंगे। महाराष्ट्र ही जाना है, तो चलो भाई।